कटिहार पुलिस ने 138 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। शराब की खेप बंगाल से लाई जा रही थी। साथ ही पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया। घटना डंडखोरा थाना क्षेत्र के डुमरिया के पास की है। पुलिस ने जब गश्ती के दौरान एक बोलेरो को रोकने की कोशिश की तो गाड़ी नहीं रुकी। पुलिस ने खदेड़ते हुए जब गाड़ी को पकड़ा तो गाड़ी में से विदेशी शराब की खेप बरामद हुई है। इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी शराब की तस्करी करने के आरोप में यह आरोपी 2 बार जेल जा चुका है। पुलिस आगे इस पर कठोर कार्रवाई की बात कर रही है। कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट। डंडखोरा थाना अंतर्गत थाना अध्यक्ष कल दिन में दिवागस्त निकले हुए थे और ग्राम दुबरिया में वाहन चेक कर रहे थे। इसी क्रम में एक बोलेरो जो बंगाल नंबर की गाड़ी थी वो आई, लेकिन पुलिस को देख कर फिर गाड़ी रोका। उस पर जो चालक था भागने लगा। इस क्रम में थाना अध्यक्ष ने साथ बल के साथ जो है उसका पीछा किए। ड्राइवर भागने में सफल रहा। उसमें बैठा हुआ जो मुख्य आदमी था इसको गिरफ्तार किया, जिसका नाम रंजीत यादव, स्वर्गीय चंद्रिका यादव जो बरमसिया का था उसे गिरफ्तार किए और गाड़ी की तलाश लिए। तो उस गाड़ी में हिमालयन गोल्ड का 60 ml 138 बोतल, हेवाट का 500 ml 10 बियर है जो 40 केन कुल 20 लीटर, पब्सर्स चॉइस 180 ml का टेट्रापैक 96 पीस, इंपीरियल ब्लू हिस्की 24 पीस कुल 139 लीटर लगभग शराब बरामद हुआ है। इसमें गाड़ी भी जब्त की गई है और जो इस कांड के अभियुक्त है वह एक आदतन शराब का कारोबारी है। पूर्व में भी 2 बार जेल जा चुका है।